हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं दीपक तीर्थयानी, इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से मेरा रीजनिंग वार्म अप शो आप सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आज से आ रहा है दोस्तों, जिसमें अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी माइंड की स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाएगा दोस्तों। तो फटाफट से आप सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे इस जबरदस्त शो को एंजॉय करने के लिए, जो कि डेली बेसिस पर होने वाला है, मंडे टू सैटरडे 6 AM, यानी सुबह की शुरुआत अब होगी डेली मेरे साथ में गाइस। तो बिल्कुल तैयार हैं आप सभी लोग? फटाफट से मुझे एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि यस सर, बिल्कुल रेडी हैं। और दोस्तों, ये सेशन लाने का मेन मकसद मेरा ये था कि आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ, आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओ और सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो मेरे साथ में। डेली सुबह 6 बजे अपना ये शो आया करेगा, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर एक प्यारा सा कोट दोस्तों आप लोगों के लिए। वॉक अप, उठो, स्माइल एंड टेल योरसेल्फ टुडे इज माय डे। क्या लिखा हुआ है? वॉक अप, उठिए, मुस्कुराइए और अपने आप से कहिए कि आज का दिन आपका दिन है, ठीक है गाइस। तो इसी शुरुआत के साथ मैं बिल्कुल आप सभी का तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं मैं वाईफाई स्टडी, जो कि इंडिया का नंबर वन स्टडी चैनल है दोस्तों, पार्ट ऑफ वन अकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। बिल्कुल बहुत ही प्यारी लाइन कही हुई है दोस्तों कि भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, वो सब कुछ देता है सही वक्त आने पर। तो दोस्तों, अपने हाथ में सिर्फ है प्रिपरेशन करना, मेहनत करना, वो आप बखूबी आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये रेलवे के एस्पिरेंट्स के लिए भी ये क्लास होगी, तो ये क्लास होगी दोस्तों CGL CHSL के एस्पिरेंट्स के लिए। माइंड एक्सरसाइज, यानी कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का दिमाग जो है ना एकदम जबरदस्त तरीके से खुल जाए और सुबह की शुरुआत डेली बेसिस पर ये 10 मिनट आप लोग मुझे दीजिए। और मेरे भाई, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि आप ये 10 मिनट जो डेली बेसिस पर मुझे देंगे, उससे कम से कम 10 से 15 मिनट आप अपने एग्जाम टाइम पीरियड के बचा लेंगे, ठीक है। आपकी स्पीड भी मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं काम करवाऊंगा आपसे आपकी कैलकुलेशन पर, आपके टेबल्स पर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, हर चीज पर हम लोग वर्क करने वाले हैं और रीजनिंग के उन सभी क्वेश्चंस पर वर्क करने वाले हैं जो बुक्स में तो शायद देखने को नहीं मिलते लेकिन एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपको ये फिगर दिखाई दे रखा होगा, ध्यान से देखेंगे आप इस चीज को कि ये एक फिगर दिखाई दे रखा है और यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो आपको बताना है कि इस एक सर्किल का इन 3 सर्किल से जो रिलेशन है, तो इस एक सिंगल ट्राइंगल का किससे रिलेशन होगा। 4 ऑप्शन आपके पास में। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से फटाफट से स्पीड से करेंगे भाई, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर ये 3 सर्किल एक दूसरे को कट कर रहे हैं पार्शियली, तो इसी तरीके से ये 3 ट्राइंगल भी एक दूसरे को पार्शियली कट करेंगे भाई, इस तरीके से, ठीक है। और ये कौन सा फिगर है, अपना आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने और अब फिगर को आप लोग ध्यान से पहचानेंगे और उसके बाद में बताएंगे कि क्या आंसर होगा। जल्दी करो, फटाफट से करो, फटाफट से। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको ये बताना है। स्पीड रखनी है भाई, माइंड, पूरा माइंड की पावर यूज करनी है। ध्यान से देखोगे तो चीजें समझ में आएगी कि ये ऊपर वाला भाग जो है ये तो आ गया अंदर की तरफ, सही है ना, ये मिड वाला पार्ट चला गया बाहर की तरफ। तो सबसे पहले यहां से कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि मिड वाला पार्ट अगर बाहर की तरफ है तो भैया ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है ये अगर बाहर की तरफ होगा तो सबसे बाहर स्क्वायर होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन है जिसमें बाहर स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। आगे वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं है, IQ पावर यूज होना चाहिए जबरदस्त तरीके से। ये रहा एक और धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन। अब ध्यान से पता लगाइएगा यहां पे क्या आएगा। बस स्पीड रखनी है, स्पीड हमेशा रखनी। देखिए, सबसे पहले तो देखो इसको रोटेट कर दिया भाई,
इसको क्या कर दिया, देखो रोटेट कर दिया है, तो डेफिनेटली इसको भी हम लोग रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के बाद में ये शेप किस तरीके से बनेगा, रोटेट करने के बाद में ये शेप बनेगा इस तरीके से, सही है। अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखोगे जब चीजों को आप उठा के रखोगे, जब चीजों को आप उठा के रखोगे इस तरीके से, ध्यान से देखना भाई, चीजें समझना। ये हमने रोटेट कर दिया इसको, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में घुमा दिया। तब जब इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ऐसा शेप बनेगा। और अगर चीजों को ध्यान से समझो तो जहां पर ये व्हाइट वाले, देखिए व्हाइट वाले जो सर्किल आ रहे हैं उसकी जगह तो हो गए, देखिए ब्लैक वाले सर्किल, देखो व्हाइट वाले सर्किल की जगह तो हो गए ब्लैक वाले सर्किल। तो सबसे पहले ये देख लो, जब इसको पकड़ के घुमाओगे तो एक सर्किल यहां पर आएगा ब्लैक वाला, व्हाइट वाला सर्किल हो जाएगा ब्लैक वाला, और एक नीचे इसकी तरफ आ रहा है तो यहां पर भी हो जाएगा ब्लैक वाला। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस तरीके का ऑप्शन कहां पे दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, है ना, इन दोनों में नहीं है। अब ये दो ऑप्शन बन रहे हैं और इनकी पोजीशन देखो, ये रही यहां पे मैच कर रही है, ठीक है, सी ऑप्शन में मैच कर रही है, डी ऑप्शन में मैच नहीं कर रही है। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। शानदार, मजा आ गया, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बताएंगे 5 सेकंड के अंदर। एक ट्राइंगल है जिसके ऊपर शायद दो ट्राइंगल रख दिए, तो इसी तरीके से अगर एक ये जो दे रखा है आपको, ठीक है ना, स्क्वायर या इसको डायमंड भी बोल सकते हैं, तो इस तरीके का शेप अगर इसके ऊपर दोनों रखेंगे तो किस तरीके का शेप बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, डी नहीं बनेगा, ये तो कंप्लीट स्क्वायर टाइप दे रखा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, यहां पहचानिए यहां क्या आएगा, जल्दी करो जल्दी करो, मजा तो तब है जब हम जल्दी करें भाई, ठीक है, माइंड एक्सरसाइज है तो माइंड पे ही वर्क करना है ना। चलिए फटाफट से जल्दी से बताइए। अब देखिए इधर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये अंदर वाला ट्राइंगल जो था वो तो चला गया बाहर की तरफ, सही है ना, अंदर वाला ट्राइंगल चला गया बाहर की तरफ, या यूं कह सकते हैं कि अंदर वाला भाग काला है और ये आउटर वाला पार्ट जो सर्किल है उसका पार्ट भी काला है, लेकिन यहां पे वो दोनों पार्ट जो बाहर वाले दोनों पार्ट हैं वो दोनों तो व्हाइट कर दिए, देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कर दिया व्हाइट। तो यहां पर देखिए, अब ये अंदर वाला भाग काला था, ठीक है ना, तो ये काला ही रहने दिया। अब अंदर वाला भाग यहाँ पे व्हाइट है तो इसको क्या रहने दिया जाएगा, व्हाइट रहने दिया जाएगा। तो पहले तो ये समझ लो कि ये तो अपना आंसर नहीं है। दूसरी चीज क्या, ट्राइंगल जो अंदर वाला था वो बाहर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे अंदर क्या आ रहा है, अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, देखिए डायमंड आ रहा है, तो डायमंड वाला शेप बनेगा बिल्कुल, और डायमंड वाला शेप बनेगा मेरे भाई, तो खत्म हो गई पिक्चर। यहाँ पे अंदर वाला भाग काला तो इसका अंदर वाला भाग काला, अब इसका अंदर वाला भाग व्हाइट तो इसका भी अंदर वाला भाग क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। और पर व्हाइट कौन सा वाला बनेगा ये आपको देखना होगा, जो सेकंड नंबर वाली आकृति थी वो सेकंड नंबर वाली आकृति अंदर आ गई है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर वाली आकृति क्या है, सर्किल है, तो सर्किल अंदर की तरफ आ जाएगा व्हाइट में, ठीक है, तो सर्किल अंदर की तरफ व्हाइट में एक ही ऑप्शन में है और किसी में है ही नहीं, तो ये हो गया रॉन्ग। क्या बात है, मजा आ गया, चलते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके पास में, जल्दी से करिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए भाई, ठीक है ना, मजा आना चाहिए एकदम, डू फास्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बाहर वाली आकृति को अंदर ले गए, अंदर वाली आकृति को बाहर ले गए, तो यहां पे देखिए बाहर वाली आकृति क्या थी, चौकोर, ठीक है, यानी कि स्क्वायर थी, और स्क्वायर को अंदर लेके आएंगे और व्हाइट पोर्शन में रखेंगे, तो स्क्वायर अंदर आएगा और व्हाइट पोर्शन में, तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, देखिए स्क्वायर अंदर की तरफ और व्हाइट पोर्शन में, तो ये हो गया रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, जल्दी से करेंगे, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ये जो काला वाला भाग था इसको हमने कट कर दिया, कट करने के बाद में घुमा दिया, रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो इसी तरीके से अगर इस ब्लैक वाले पोर्शन को कट कर देंगे और रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में अगर आप इसे घुमाएंगे तो कैसा शेप बनना चाहिए, जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए सी ओ डी हो गया आपका रॉन्ग। तो मेरे भाई आप मैंने मेरे साथ में करी है मेहनत बहुत जबरदस्त, तो ये एक मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है, सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है, मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते।
तो सोना नहीं है, सुबह रोज जल्दी उठना है, सुबह 6 बजे मेरे साथ 10 मिनट की एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस पर, और अपनी स्पीड को बढ़ाना है, अपने दिमाग की पावर को बढ़ाना है, और अपने भरोसे को कायम रखना है कि यस सर आप साथ हैं तो डेफिनेटली हम हर एग्जाम के अंदर क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दोस्तों आप लोग इन सभी कैटेगरीज के अंदर जो कि अपने कोर्सेज चल रहे हैं CGL CHSL के लिए बूस्टर ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए RPSC सेक्शन कैटेगरी के अंदर मिलेगा, NTPC ग्रुप डी बूस्टर जो है आपको रेलवे एग्जाम कैटेगरी के अंदर मिलेगा, DRDO का कोर्स चालू हो चुका है CDS FCAT कैटेगरी में, एयरफोर्स XY ग्रुप चालू हो चुका है CDS FCAT कैटेगरी में, सभी में आप लोग इनरोल कर सकते हैं रेस्पेक्टेड कैटेगरीज जिसमें आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। रेफरल कोड है Deepu10 विदाउट स्पेस, एक साथ यूज करेंगे Deepu10 रेफरल कोड लगाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा कोड है गाइस। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भाई आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आप लोगों को इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे, आप मुझसे डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी स्पेस रीजनिंग नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है अपना, और उस ग्रुप का लिंक है t.me/WiFiStudyDeepak। ओके गाइस, तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पीरियड पर, उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत मजा आया होगा, जल्दी से आप लोग एक बार दिल से सभी बच्चे लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे गाइस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।